हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। पहुंच चुका हूं मैं सनवी और मिट्टू के घर के पास में, और आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से ही करने की सोच रहा हूं। तो इन्होंने तो अपने घर का काम काज चलाया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने ससुराल में ही आया हूं, तो नज़दीक ही है घर इनका, तो देख लेता हूं कि क्या क्या काम काज चला हुआ है घर में। और यही कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियाँ होती हैं जिन पर काम काज में हेल्प भी करवानी चाहिए एक दूसरे की। तो आप लोगों ने देखा था जब मेरी बहन वंदना और जीव साहब आए हुए थे हमारे घर पर मेरी बेटी के चौके के दिन, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई हुई थी मेरी जयंती इनको इनके घर में, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। और मैंने पिछले वाली साइड में आकर देखा तो यहाँ पर ये चले हुए हैं बहुत ज़्यादा बिजी। ये देखिए सवेरे सवेरे ही चेक यहाँ पर इन्होंने भरा जा रहा है चेक किसी पार्टी के नाम से। तो अभी उनके घर को भी मैं भी देख लेता हूँ ऊपर से कि किस तरह का डिज़ाइन है और कैसे कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तो ये है सीढ़ी, तो मेरे को तो थोड़ा बहुत सच्ची में बताऊँ आप लोगों से डर भी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन चलते हैं ऊपर से देखते हैं किस तरह से बन रहा है घर। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, मुझे तो वैसे खास पता नहीं चल रहा है, आप लोगों से फ्रेंकली बताऊँ, लेकिन जीजू साहब मेरे को बता रहे हैं क्या क्या है और किस किस तरह का डिज़ाइन। और सामने देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है। तो फ्रंट से कुछ लुक इस तरह की नज़र आएगी इनके घर में। और आप लोगों को बताऊं डिज़ाइन कुछ इस तरह से सेम है इनका, ये जो ऊपर आप लोग देख रहे हो है। ये जो दो घर हैं कुछ इस तरह का है ऑलमोस्ट, इसके ऊपर होगा ये अलग है, इसके ऊपर वो होगा वो। अच्छा, ये जो दो छोटे छोटे हैं घर, हाँ, इसका एक ही घर बनना है। अच्छा, इसका एक ही बनेगा इस तरह से। ये बन चुका है डिजाइन, इस तरह से फ्रंट का बन गया। तो इनकी छत से देखिए चारों तरफ में कैमरा घुमा देता हूँ, आप लोगों को भी ब्यूटी दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर और प्यारा नज़ारा बना हुआ है। ये इनके वाटर टैंक हैं यहाँ पे, और यहाँ से सामने भी देखिए चारों तरफ देखिए हरी भरी हिल्स, और बीचों बीच है यहाँ पे मेरी बहन वंदना का घर। और ये प्लास्टर का काम भी लगा हुआ है यहाँ पे साथ के साथ, इसे आगे भी यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। हमारा आज का ब्लॉग भी रहेगा बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग। तो फंक्शन तो आप लोगों ने देख लिया हमारा, तो ये फंक्शन से नेक्स्ट वाले दिन के मोमेंट्स हैं। तो यहाँ पर नन्नी परी जा रही है हमारी अपने नानके के लिए, तो हमारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि पंडित जी से शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है। तो फंक्शन से नेक्स्ट वाला दिन था काफ़ी ज़्यादा शुभ प्रियंका को अपने मायके में जाने के लिए, तो नन्नी परी अभी घर के सभी मेम्बर से मिल रही है और अभी अपने नानके के लिए रवाना हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं, प्रियंका और हमारी नानी जी हो गई है तैयार प्रियंका के मायके में जाने के लिए। और मेरे ससुर गाड़ी ले आए थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले दिन मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे मंडी में, तो हिमाचल में उन्होंने काफ़ी बड़ी सभा को संबोधित किया हमारे ज़िले में, तो इसलिए बसों का चलना बंद था, तो इसलिए ये गाड़ी कर ले आए थे सरका घाट से ही। ले माता जी।
गाड़ी हो गई है स्टार्ट, तो चलिए हम भी निकलते हैं अपने ससुराल की तरफ और आप लोगों को भी दिखाएंगे अपने ससुराल के बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स को। तो आप लोगों को बताऊं, मैं और प्रियंका पहुंच चुके हैं अपने ससुराल में और आप लोगों के लिए आएंगे बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग, तो यूं ही बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो कैसा रहा अभी तक का सफर हमारे आज के ब्लॉग का? आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा यही मैं आशा करता हूँ। लेकिन अपने ब्लॉग के बीच में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करना चाहता था और ये बातचीत एक बहुत ही खास है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों को दी जाए। इसलिए मैंने सोचा बैठकर आप लोगों से थोड़ी देर में बातचीत कर लेता हूँ। तो बातचीत क्या करनी है, आज मेरा फैशन के रिगार्डिंग ही मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो प्लीज़ काफ़ी केयरफुली सुनिएगा। मेरे किसी भाई बहन या मेरी बहन काम आ जाए ये इन्फॉर्मेशन, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को तो पता ही ऑलरेडी, मैंने और प्रियंका ने भी अजमेर फैशन से आर्टिकल मंगवाए हुए थे, तो हमने एक पीडीएफ फाइल भेजते हैं अजमेर फैशन के एग्जीक्यूटिव, उसमें से हमने सिलेक्टेड आइटम्स को चूज कर लिया था, उसके बाद हमने अपना ऑर्डर दे दिया था और ऑर्डर हमारे पास भी काफ़ी सेफ्टी के साथ पहुंच चुका था हमारे घर में और हमने अपने गाँव घर गाँव में काफ़ी अच्छे से सेल आउट भी किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मुझे और प्रियंका को। तो उसी तरह मैं भी आप लोगों को बोलता हूँ, रेकमेंड करता हूँ अजमेर फैशन, आप लोग हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हमने खुद ये काम किया हुआ है तो आप भी कर सकते हो। और बाकी कोरोना काल में आप लोगों को तो पता ही है किस तरह के हालात रहे थे, कुछ लोगों के भाइयों के माताओं के और मेरी बहनों की जॉब भी छूट गई थी और मैंने कमेंट भी पढ़े थे कि कुछ लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप अजमेरा फैशन के साथ अच्छे से जा सकते हो। मैं हर कोई बिजनेस करना चाहता है लेकिन एक अच्छा सा आइडिया और पैसे की कमी होने के कारण देखिए लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया शेयर करूंगा, तो आप बहुत ही कम लागत 20,000 या 25,000 से अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। तो और कोई भी डॉट हो आपके मन में, तो आप जो नंबर मेंशन रहते हैं अजमेरा फैशन के हमारे वीडियोस में, उन पे डायरेक्टली कॉल करके जो अजमेरा फैशन के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे अपने डॉट्स को क्लियर कर सकते हो। वो आपको हर एक चीज में मदद करते हैं, इतना अच्छा स्टाफ है अजमेरा फैशन का। तो जब मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं तो आप लोग जरूर जा सकते हो अजमेरा फैशन के साथ। बाकी आप लोगों की बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अजमेरा फैशन के प्रीवियस ब्लॉग जो आप लोगों ने देखे थे हमारे, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ साड़ियां भी कवर की थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे को बनारसी साड़ी के ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट लेकर आइएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो आज मोहित सर एक अच्छी और काफी ब्रीफली से बनारसी साड़ियों के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो सुनते हैं मोहित सर की हिजवानी कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। तो यूं ही बने रहिए आगे भी और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों के सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि स्किप कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जरूरतमंद, जिन्हें जरूरत होती है इन चीज़ों की। और सच्ची में बिजनेस आजकल करना एक बहुत ही जरूरी हो गया है। आजकल तो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब से कुछ लोगों 40 से 50,000 कमा रहे हैं और साथ के साथ अपने बिजनेस से 1 से 1.5 लाख अलग सा कमा रहे हैं। तो आप लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। तो सुनते हैं अजमेर मोहित सर की जुबानी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अजमेरा फैशन के रिगार्डिंग आज। दोस्तों मैं मोहित अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट सिल्क का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कॉल्स आए कि सर बनारसी साड़ीज़ का पूरा एक वीडियो बनाइए, बनारसी साड़ीज़ के जो नए कलेक्शन आपके पास हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें दिखाइए। तो दोस्तों आज पर्टिकुलर हम लोग बनारसी साड़ीज़ के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। दोस्तों इन सब में कलर मैचिंग के ऑप्शन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, डिज़ाइनें बहुत सारी मिलने वाली है, कुछ कलेक्शन आपको मैं नज़र करवाता हूँ। दोस्तों रेंज फिर से रिपीट कर दूँ, सिल्क के डिपार्टमेंट में हमारे पास 300 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है और 4,000 रुपये तक बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिलने वाली है। ये देखिए सर दोस्तों बनारसी कॉन्सेप्ट में रिच पल्लू के डिज़ाइन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
जरी कॉन्सेप्ट के साथ में है दोस्तों। टोटल वीविंग की डिज़ाइन आपको मिलने वाली है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरे धागे आपको नज़र आ रहे हैं, जरी नज़र आ रही है। ये पूरा आपको बॉडी में जो काम नज़र आ रहा है दोस्तों, फुल जरी का काम आपको इसमें मिलने वाला है। कंटिन्यू साड़ी में आपको यही काम मिलेगा। बॉर्डर आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड पूरा चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ है, माथा पट्टी में छोटा बॉर्डर है। दोस्तों ब्लाउज की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रास्ट कलर का इसमें पूरा ब्लाउज दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बनारसी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया आज हम लोग बनारसी साड़ियों का पूरा कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं। इसमें दोस्तों हैंडवर्क के भी कुछ कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रिच पल्लू की डिज़ाइन है, छोटे छोटे बोटे बने हुए हैं बॉडी में। यहाँ आप देखेंगे दोनों साइड बॉर्डर की डिज़ाइन दी हुई है, साथ में आप देखेंगे पूरा बेल्स स्टाइल में पूरा जरी का इसमें काम किया हुआ है, और कंटिन्यू साड़ी में आपको ये काम मिलने वाला है। दोस्तों बनारसी साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो बनारसी साड़ी आज से नहीं दोस्तों, बहुत पहले से, बहुत सालों से ट्रेंड में है, और आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था, ये सारी साड़ियाँ जो बनारसी कॉन्सेप्ट होते थे हैंडमेड होते, हैंड से बनाए जाते थे, जो कि एक दिन में मैं बात करूँ तो एक साड़ी दो साड़ी का प्रोडक्शन आता था। बट आज की डेट में आप लोग देखेंगे सारा काम मशीन का हो गया है, मशीनरी का हो गया है। तो मशीन पे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक तो उनका लुक अलग आता है, दूसरी चीज़ प्रोडक्शन वाइज बहुत ज़्यादा क्वांटम आ गया है। तो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा हैवी ब्लाउज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि सर जो कलेक्शन आप दिखा रहे हैं, सेम कलेक्शन अगर हमें लेना हो तो हम लोग कैसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं, आप जो मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए हमारे एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे बनारसी साड़ी में जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों, रिच पल्लू की डिज़ाइन है। इसमें आप देखेंगे फ्लावर कॉन्सेप्ट का पूरा टेस्ट दिया हुआ है, थोड़े से फ्लावर के जो फिगर है बड़े बड़े साइज में बने हुए हैं, और कंटिन्यू साड़ी में आपको फिर से पूरा काम मिलने वाला है। कलर मैचिंग आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से, ब्राइट कलर है, एकदम डार्क कलर की मैचिंग है, पर कलर में जो उठाव आ रहा है दोस्तों क्लास है कलर में। ब्लाउज पीस आप देख पा रहे हैं पूरा हेवी ब्लाउज पीस दिया हुआ है, और कम से कम एक मीटर का ब्लाउज पीस दोस्तों आपको इसमें मिल रहा है। दोस्तों कोई भी साड़ी लीजिए, सब में सिल्क की साड़ियों में आपको पूरे हेवी ब्लाउज मिलने वाले हैं, लेंथ वगैरह एकदम परफेक्ट आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, सदाबहार कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आप सिल्क में ले लीजिए, प्रिंट में ले लीजिए, डाइड में ले लीजिए, ब्राइडल कॉन्सेप्ट में ले लीजिए, 12 महीने डिमांड में रहता है। और इस टाइप के कॉन्सेप्ट की कोई स्टेट नहीं, कोई मंडी ऐसा नहीं है जहाँ पर ये टेस्ट ना चलता हो। इसमें आप देखेंगे रिच पल्लू की डिज़ाइन दी हुई है, नीचे बॉर्डर आप देख पा रहे हैं पूरा हेवी बॉर्डर का कॉम्बिनेशन है, छोटी छोटी बुटियाँ बनी हुई है, धागा और जरी का पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। पूरी साड़ी में कंटिन्यू आपको काम मिलने वाला है। इसका जो ब्लाउज है फिर से फुल हेवी ब्लाउज आपको इसके साथ में मिल रहा है। दोस्तों सब में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कलर मैचिंग सब में अवेलेबल है, डिज़ाइनें सब में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा बॉक्स पैकिंग के साथ आपको मिलने वाला है, वेलवेट की बॉक्स पैकिंग में आपको ये मिलेगा, पूरा वेलवेट बॉक्स के साथ में है। दोस्तों इसमें दोस्तों हैंडवर्क के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो मैं हैंडवर्क के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नज़र करवाने वाला हूँ। पहले ये साड़ी नज़र करवाता हूँ जो कि बिना हैंडवर्क के है, और इसमें जो जरी यूज़ की हुई है दोस्तों, बहुत शानदार जरी इसमें यूज़ की हुई, उसकी शाइनिंग आप देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों प्योर जरी जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो सब हम लोग स्टैंडर्ड वाली जरी यूज़ करते हैं, जिससे क्या है फैब्रिक में साड़ी में एक अलग ही उठाव आता है। ये भी दोस्तों आप देखेंगे रिच पल्लू की डिज़ाइन है, पूरी हेवी कॉन्सेप्ट के साथ में डिज़ाइन दी हुई है। नीचे आप देख पा रहे हैं बॉर्डर की जो डिज़ाइन है पूरी हेवी ली हुई है, पल्लू में जो वर्क किया हुआ है, पल्लू में जो काम किया हुआ है एकदम फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है। दोस्तों मैं जो काम बोल रहा हूँ, वर्क बोल रहा हूँ, वो यही है जरी और धागे का कॉम्बिनेशन का जो वीविंग की डिज़ाइन में बनी हुई है। ये देखिए पूरा आपको अगर वीविंग के डिज़ाइन की पहचान करनी है, वीविंग की साड़ी की पहचान करनी है, तो पीछे से पूरे आपको इस टाइप से धागे नज़र आएंगे। झालर के साथ ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हाफ आपके कॉन्सेप्ट में आपको मिल रहा है, हाफ आपका कॉम्बिनेशन है कलर मैचिंग का, हाफ आपका कॉम्बिनेशन है। जो ब्लाउज है दोस्तों, इसका सिंपल सोबर ब्लाउज दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसमें आपको हैंडवर्क के भी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो जैसे ये हैंडवर्क का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसमें डायमंड का फुल हेवी काम किया हुआ है। देखिए ये देखिए पूरी रिच पल्लू की डिज़ाइन है, फुल हेवी डायमंड का काम किया हुआ है,
पूरी साड़ी में आपको कंटिन्यू इस टाइप से काम मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट देखा, इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। अगर आप पूरा कलेक्शन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉल करके, वीडियो कॉल करके या फिर व्हाट्सअप कॉल करके वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। और सिल्क का और कलेक्शन आपको देखना है तो आप वहाँ एग्जीक्यूटिव से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टाइप के प्रोडक्ट का आप लोग देखना चाहते हैं, किस टाइप का कलेक्शन आप लोग देखना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते। यहाँ पर बन रही है सब्जी और सब्जी बना रहा है मेरा दोस्त, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही खतरनाक कुक हैं ये, इनसे आप फास्ट फूड से लेकर सॉफ्ट फूड कुछ भी बनवा लीजिए। ये देख सकते हैं इनकी कला, देखिए आप किस तरह से अपनी कला से खेलते हुए सब्जी से। तो ये देख सकते हैं आप इस कपल को, कितना प्यारा कपल है। देखिए यहाँ पर ये बना रहा है सब्जी मेरे बंद गोभी की, और साथ ही साथ ये लगाया हुआ है, देखो इन्होंने जुलम ढाके रखा हुआ है। तो भाभी मछली आटा और बाबा जी बना रहे हैं सब्जी।